हमेशा मुस्लिम वेडिंग के बारे में सोचते ही फूलों की चादर की एक तरफ दूल्हा और दूसरे तरफ दुल्हन को इमेजिन करते हैं हम लोग, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बॉलीवुड ने हम लोगों को बिगाड़ रखा है बस, क्योंकि मुस्लिम वेडिंग ऐसी बिल्कुल भी नहीं होती है। और क्योंकि हमेशा से मेरे बकेट लिस्ट में था कि मैं एक मुस्लिम वेडिंग तो जरूर अटेंड करूंगा, तो फाइनली जब मुझे मौका मिला तो मुझे पता चला भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं होता जैसे बॉलीवुड मूवीज में दिखाते हैं। दूल्हे को मंडप पे बैठने के बाद अपने क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स अगर याद आ जाए ना, तो वो वहीं पे बैठ के अपने क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स क्लियर करता है। तो खैर, जब मैं फाइनली स्टेज पे पहुंचा तब मुझे पता चला निकाह कबूल किया जाता है, वो एक्चुअली आमने सामने बैठ के नहीं किया जाता है, अलग अलग निकाह कबूल किया जाता है। और उसमें भी सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि लड़का बाद में निकाह कबूल करता है, लड़की का कंसेंट पहले लिया जाता है, लड़की पहले निकाह कबूल करती है, फिर लड़के से निकाह कबूल किया जाता है, एंड देन द मैरिज इज डन, उसके बाद जाके सब कुछ होता है। तो मेरे लिए तो ये बहुत ज्यादा शॉकिंग था। और सच बताऊं तो इस शादी में खाने के बाद जो मुझे सबसे ज्यादा चीज पसंद आई, मेरी सबसे फेवरेट चीज थी विदाई, क्योंकि बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से विदाई हुई थी, बढ़िया पालकी में। और वैसे मैं आपको एक बात और बता दूं कि